दोस्तों देखिए, एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि दोस्तों चैनल जो है ग्रो नहीं हो रहा है, चैनल डाउन हो जाते हैं और चैनल पर जो वीडियो है वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आते हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के साथ मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश गिर रहा है, यानी कि दोस्तों आज सुबह से बारिश हो रहा है और बारिश के कारण मेरा घर पर लाइट वगैरह नहीं है। और इसके बाद भी दोस्तों मेरा जो चैनल है, चैनल मेंटेन करने के लिए दोस्तों मैं देखिए आउटसाइड पर आके वीडियो शूट कर रहा हूँ और दोस्तों अभी भी बारिश रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि एक YouTube चैनल ग्रो करने के लिए कितना मेहनत करना होता है। और बाकी दोस्तों चलिए ये तीन स्टेप क्या होता है और ये तीनों स्टेप आप कैसे यूज़ करना है, उसके बाद दोस्तों आपके जो चैनल है आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो दोस्तों देखिए, सबसे मेन पॉइंट जो है, फर्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट पर दोस्तों ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि दोस्तों देखिए, एक वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों मान लीजिए इस वीडियो पर 15 व्यूज़ आ चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये आपको सोचना होगा कि ये जो 15 वीडियो आ चुके हैं ये कहाँ से आया है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप चेक करते हो तो चेक करने के बाद दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि जो 15 व्यूज़ है, इस 15 व्यूज़ में से 5 व्यूज़ YouTube ब्राउज फ्यूचर से आया है और बाकी जो 10 व्यूज़ है ये किसी मतलब अनदर प्लेटफॉर्म से आया है। तो ये आपकी गलती है, क्योंकि दोस्तों आपने जब वीडियो अपलोड किया है, वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपने ये वीडियो काफ़ी जगह पर शेयर किया है और उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर 15 व्यूज़ में से 5 व्यूज़ यूट्यूब ब्राउज फ्यूचर से आया है और बाकी 10 व्यूज़ जो है वो आपने लेकर आए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब ब्राउज फ्यूचर से कितने व्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आंसर है कि कितने व्यूज आ सकते हैं, यहाँ पर 0 भी व्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम गलत काम कर लिया है, यानी कि एक वीडियो अपलोड करने के बाद आपने ये ज़्यादातर मतलब जगह पर शेयर किया है। और दोस्तों देखिए, शेयर करने के बाद जो व्यूज़ आते हैं यहाँ पर क्या होता है दोस्तों देखिए, सिंपली क्लिक बेट होता है, लेकिन इस वीडियो पर मतलब इस वीडियो जो है पूरा वॉच नहीं किया जाता है, इसलिए दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है वीडियो पर YouTube ने और इम्प्रेशंस नहीं देता है। और दूसरा जो स्टेप है दोस्तों देखिए, जितना नया क्रिएटर्स है, नया क्रिएटर्स की मतलब एक ही गलती करते हैं कि हर एक चैनल पर जाके जब कॉमेंट करते हैं तो एक ही कॉमेंट करते हैं। जैसे कि लाइक मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि हर एक वीडियो के नीचे आप जाके कॉमेंट करते हो कि नाइस वीडियो, नाइस वीडियो। तो ऐसे में दोस्तों यूट्यूब क्या देखता है कि यूट्यूब ये देखता है कि ये रोबोटिंग सिस्टम चैनल है। तो दोस्तों इस तरह आप गलत नहीं करना है। और दोस्तों थर्ड जो पॉइंट है, ये मेन इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट क्या होता है कि दोस्तों देखिए, एक चैनल ओपन करने के बाद मतलब लोगों को ज़बरदस्त करके ये चैनल सब्सक्राइब किया जाता है कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसे में क्या मतलब फ़र्क पड़ने वाला है, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने एक वीडियो अपलोड किया है और अपलोड करने के बाद दोस्तों जिस बंदे को आपने कहा कि मेरा चैनल भाई सब्सक्राइब कर लेना है, तो ये बंदा आपकी जो वीडियो है बिल्कुल नहीं देखता है। और दोस्तों यूट्यूब ने इस तरह काम करता है कि मान लीजिए आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स है और एक वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों जो 100 सब्सक्राइबर्स है, या 100 सब्सक्राइबर्स को इंप्रेशंस दिया जाता है, यानी कि नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो दोस्तों आपने पहली बार ही गलत काम कर लिया है, जो सब्सक्राइबर्स 100 में से जो सब्सक्राइबर्स आपने जबरदस्त करवाया है, ये सब्सक्राइबर्स जो ये आपकी जो वीडियो है ये नहीं देखते है। तो दोस्तों इन लोगों को यूट्यूब ने इंप्रेशंस बेचता है। तो आप भी एक बार अंदाजा लगाइए कि ये लोग अगर वीडियो नहीं देखता है तो यूट्यूब ने जो इंप्रेशंस भेजा है ये तो बिल्कुल सही भेजा है, लेकिन ये लोग अगर वीडियो नहीं देखता है तो वीडियो के जो इम्प्रेशन है और भी इंक्रीज नहीं किया जाता है। दोस्तों देखिए, एक बंदा एक वीडियो पर क्लिक करने के बाद अगर ये वीडियो फुल वॉच कर लेता है तो यूट्यूब ने और 5 लोगों को ये इम्प्रेशन ज़्यादा यानी कि इंक्रीज करता है, यानी कि और 5 लोगों के सामने ये वीडियो भेजता है। तो दोस्तों इसी तरह यूट्यूब ने काम करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये गलती करते हैं, एक वीडियो अपलोड करने के बाद इन अदर प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप और वगैरह वगैरह प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज से ये काम बिल्कुल नहीं करना है और दोस्तों किसी को ज़बरदस्त सब्सक्राइबर्स नहीं बनवाना है, क्योंकि दोस्तों जो ज़बरदस्त सब्सक्राइबर्स आप बनवाते हैं, ये सब्सक्राइबर ने आपकी जो वीडियो है ये बिल्कुल वॉच नहीं करता है, क्योंकि वॉच करने के कोई फ़ायदा नहीं है।
आप जिस तरह वीडियो बनाते हैं और जिसको आप ज़बरदस्त सब्सक्राइब करवाया है, इनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी जो वीडियो है। तो वीडियो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ये लोग आपके वीडियो क्यों देखे? तो ये सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट ये तीनों स्टेप होता है दोस्तों। ये तीनों स्टेप से आप बचना है, उसके बाद दोस्तों जाके आपके चैनल जो है आप ग्रो कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो दोस्तों लाइक करना है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।